WWE की कुछ ऐसे मोमेंट्स जिसे देखकर सभी फैंस सरप्राइज हो गए, तो चलिए शुरू करते हैं। साल 2006 में एज और लिटा के बीच में चल रहा था एक रोमांटिक स्टोरी लाइन, और इसीलिए रॉके विश्व में हमें देखने को मिला एक बहुत ही शॉकिंग घटना जो कि WWE के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ और बाद में भी नहीं होगा, क्योंकि इस एपिसोड में उन्होंने उनकी वेडिंग नाइट को सेलिब्रेट किया। गाइस, साल 2003 में हुआ था एक सेगमेंट जॉन सीना और स्टीवन मैकमैन के बीच में। तब जॉन सीना स्टीवन मैकमैन के पीछे एक थप्पड़ लगा दिया, और इसके बाद मानो कुछ ऐसा काम किया जिसके लिए उन्होंने पता है कैसे चीयर किया, आप खुद देख लो। साल 2014 में निकी बेला और एजेली के बीच फ्यूड चल रहा था फॉर द डिवास चैंपियनशिप, और इस फ्यूड में हमें एक मैच देखने को मिला था रॉके एपिसोड में। लेकिन गाइस, जब ये मैच चल रहा था तब ब्री बेला एजेली को डिस्ट्रैक्ट किया, और वो भी किस करके, और इसके फायदे लेकर निकी बेला ये मैच जीत गए। साल 2001 में ट्रिस स्टेटस और स्टीवन मैकमैन के बीच में एक सेगमेंट चल रहा था, और इस सेगमेंट में स्टीवन मैकमैन ट्रिस स्टेटस का एकदम बेइज्जती किया, पहले झाड़ू से, उसके बाद उनके मुंह को गंदे पानी में डुबो दिया। गाइस, जब रॉक के एक एपिसोड में होता है एक फीमेल टैग टीम मैच, और इस मैच में जब मेंडिस को लायला ने पीछे से पकड़ लिया, उसके बाद क्या हुआ आप खुद देख लो। मैं उस फुटेज को प्ले नहीं कर सकता क्योंकि ये यूट्यूब के गाइडलाइन के खिलाफ होगा, लेकिन आप समझ जाओ, कमेंट्री टेबल सब कुछ देख लिया। और गाइस, यही तक था आज का ये वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।